ये जो सबसे ज्यादा वाला काम है ना वो ये है कि कनक, ये देखो ये पूरी पीली हो चुकी है यानी कि पक चुकी है, तो बस इसको काटने का सबसे मुश्किल काम जो है वो आने वाला है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस टाइम सुबह के 8:30 से ज्यादा हो चुका है और अभी का धूप तो यहाँ पे नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। तो फिलहाल अभी सबसे पहले कर लेते हैं दातुन और उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। तो अभी बाकी का सीन ठीक है लेकिन बस ये जो सबसे ज्यादा वाला काम है ना वो ये है कि कनक, ये देखो ये पूरी पीली हो चुकी है यानी कि पक चुकी है, तो बस इसको काटने का सबसे मुश्किल काम जो है वो आने वाला है और अगले आने वाले 2-3 दिनों में। तो हाँ ये होगा सबसे मुश्किल काम, तो बाकी का ठीक ही है और इतना ज़्यादा काम नहीं होता, 2-2.5 घंटे का। लेकिन इसको काटने के लिए कम से कम भी कोई 7 से 8 दिन लगेंगे, ये सिर्फ वहाँ तो गोपर तक है पूरी, और यहाँ पे थी लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दे दी, तो मतलब बेच दी किसी को, लेकिन ये वाली बची हुई है फिर भी, तो इसको काटना पड़ेगा। तो हाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है यही है। तो बाकी अभी पहले कर लेते सबसे पहले दातुन और उसके चलते नहाने के लिए। तो इस दातुन वगैरह हो गया तो अभी चलते हैं नहा के आते हैं। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए क्योंकि धूप तो हर दिन तेज़ से तेज पड़ रही है और गर्मियाँ होगी तेज़। तो परसों गया था तभी गहरे वाले पानी में लेकिन आज यहीं पर नहाएंगे नॉर्मली क्योंकि अकेले जाने का मन तो करता नहीं। तो हम लोग संडे को जाया करेंगे, संडे से पहले भी प्लान बन सकता है लेकिन मैक्सिमम संडे को तो जाया करेंगे पक्का। तो अभी फिलहाल यहीं पर नहा लेते हैं। तो अभी नहा रहे ठंडे पानी से एकदम मस्त, तो अभी चलते हैं घर पे। फिलहाल घर पे पहुंच गए तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी फाइनली खाना खा लिया था, बस इस कुत्ते को बड़ी ज्यादा गर्मी है हो गई है तो इसको लेके जा रहा था तभी। तो हम क्योंकि मैंने तो नहा लिया, चलो अभी इसको भी नहा के लाते हैं। ज़्यादा ठंड तो है नहीं, बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम, तो इसको भी नहलाना पड़ेगा। ये सुबह से ऐसे ही बांधा हुआ था, खाना वगैरह दिया था इसको पानी, इसको अब चलते हैं तभी और डब में छोड़ेंगे। ज़्यादा गहराई में नहीं लेकिन जहाँ पर मैं नहाता हूँ उसी के साथ में एक टब है थोड़ी सी छोटी सी, तो वहाँ पर ये छोटा सा ही है इसलिए, क्योंकि कुत्ते हो गए कोई भी जंगली जानवर हो गए ये सब तैर सकते हैं चाहे वे छोटे से हों। तो देखते हैं इसको छोड़ते हैं। वैसे तो गर्मी का टेम्परेचर बड़ा ही ज़्यादा हाई होता है लेकिन तभी इसी वजह से थोड़ा नॉर्मल है अभी तक फिलहाल, लेकिन जैसे गर्मी तेज़ हो जाएगी फिर ये पानी भी गर्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ठीक है अभी नॉर्मली ठंडा है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ऐसा ही रहे तो फिर मजा है, लेकिन गर्मी है जैसे ही जून जुलाई पाएगी फिर ये पानी भी बिल्कुल गर्म हो जाएगा और पत्थर तो बिल्कुल भी गर्म हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल इसको नहला दिया तो चलते हैं घर पे। ये भी काफ़ी छोटा सा है इसका इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब बड़े हो जाते फिर तो ये नॉर्मली रहते हैं, लेकिन अभी छोटा सा है तो इसके लिए इसको नहलाना पड़ता है टाइम टू टाइम, खाना वगैरह पानी। तो अभी फिलहाल लेके चलते हैं घर पे। कुत्ते को नहला के आ गया घर पे, तो यार गर्मी जो जिस लेवल की पड़ रही है ना बड़ी ज़्यादा तेज़ है, तो देखते हैं शाम को फिर से चलना पड़ेगा नहाने के लिए। तो अभी फिलहाल थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि धूप बड़ी तेज़ है। तो मिलते हैं आपको सीधा शाम के 4 बजे। इस टाइम हो चुका है 4 से ज़्यादा का, तो फिलहाल सूरज वगैरह ढलने वाला है तो यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा है। तो बाकी का सीन अभी आज ठीक ही रहा, पूरा दिन काम भी कर लिया आराम से, रेस्ट भी कर ली और उसके बाद अभी 4-4:30 बजे उठा था मैं, तो अभी का फिलहाल टाइम हो रहा 4:30। तो बाकी का एरिया तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 4 मिनट तक का बन गया होगा तो मैं इसको और आधे घंटे तक एंड कर दूँगा। तो इस ब्लॉग को कल अपलोड करेंगे तो आप लोग ज़रूर देखना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। तो मैं हर बार यही बताता हूँ आपको कि ब्लॉग ज़रूर बनाना कि कैसे बन रहे हैं मेरे से। तो बाकी अभी यहीं पर 2-3 मिनट 10 मिनट तक घूमेंगे और नीचे चलते हैं वहाँ पे पानी के किनारे बैठ के मस्त वाइब्स ठंडी ठंडी, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे सूरज नहीं है ना तो एकदम ठंडा पानी भी है साथ में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं।
तो हमें इस रास्ते जाना होगा जहाँ से नीचे। तो फिर यहाँ पे पहुँच गए पानी के किनारे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मल डब भी है, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-4 फीट तक तो होगी। तो पहले हम यहाँ पे नहाते थे, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि गहरे पानी में नहाने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से इसलिए अब लोग यहाँ नहीं नहाते अब। तो फाइनली 10-15 मिनट यहाँ पर बैठेंगे, ज़्यादा नहीं, तो फिर चलते हैं घर पर और एंड ब्लॉग कर देंगे। तो यहाँ बैठे हुए मुझे आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मस्त वाइब्स है यहाँ पर। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दो एंड चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। यार गाइस, मैं घर पे जाके ब्लॉग इसलिए नहीं एंड करना चाहता था क्योंकि यहीं पे मैं बैठा हुआ था, तो एकदम मस्त वाइब्स आ रही थी, तो मैं सोचा यहीं पे एंड कर देते हैं। बाय।